IBN 9 न्यूज में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शासन द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने की योजना अंतर्गत उज्जैन रोड इटावा स्थित विक्रम नगर में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 7/2 को नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान के द्वारा निजी रूप में गोद लिया गया। उक्त आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष की आयु के लगभग 80 बच्चे आते हैं। उक्त आंगनवाड़ी केंद्र का जीर्णोद्धार किए जाने के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य वातावरण, स्वास्थ्य लाभ एवं मनोरंजन को दृष्टिगत रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र में चिल्ड्रंस उपकरण, चिल्ड्रंस फर्नीचर के साथ परिसर में झूले एवं फुलवारी भी लगाई गई। बच्चों को स्वच्छ एवं ताजा स्वास्थ्यकारी नाश्ता एवं भोजन मिले, इसे तो किचन को सांझा चूल्हा बनाया जाकर संपूर्ण किचन सेट एवं पीने के पानी हेतु आरओ की व्यवस्था की गई तथा बच्चों के बैठने की सुगम व्यवस्था हेतु छोटे टेबल कुर्सी प्रदान किए गए। आयुक्त ने आंगनवाड़ी कार्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था की जाने के साथ ही उपस्थित बच्चों को ड्रॉइंग एवं पेंटिंग सीखने एवं करने हेतु ड्रॉइंग सेट प्रदान किए गए। आंगनवाड़ी केंद्र परिसर में वॉल पेंटिंग भी की गई। आयुक्त ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों को स्वास्थ्य वातावरण मिले, इस हेतु इस आंगनवाड़ी केंद्र पर वेट मशीन के साथ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई है जिससे आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को इसका लाभ मिल सके। उक्त आंगनवाड़ी केंद्र पर किए गए कार्यों का खर्च आयुक्त द्वारा निजी रूप से वहन किया गया। सर, आपने एक आंगनवाड़ी गोद लिए, क्या सोच के लिए और क्या है पूरा? मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ियों का अधिक से अधिक विकास हो, आंगनवाड़ियों में अधिक से अधिक सुविधाएं हों। तो कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि सभी अधिकारी टीके आंगनवाड़ी को और अपनी खुद की कैपेसिटी में, सरकारी तौर से नहीं, खुद की कैपेसिटी में उस आंगनवाड़ी में जो भी विकास करवा सकते हैं, वहाँ पर जो भी अपना योगदान दे सकते हैं उनको देना चाहिए। तो हमने जो हमारे जिला महिला बाल विकास अधिकारी मैडम हैं, इनके सहयोग से इस आंगनवाड़ी को लिया है और कुछ कुछ यहाँ पर बच्चों के लिए सुविधाएं मुहैया कर रही हैं। आज उसी को देखने के लिए मैं और मैडम यहाँ पर आए हुए थे। निश्चित रूप से अब ये आंगनवाड़ी पहले की तुलना में और बेहतर हुई है। प्रयास ये है कि यहाँ पर बच्चों को और अधिक बेहतर शिक्षा मिल पाए, बच्चों की रचनात्मकता बढ़े, बच्चों के लिए खेल कूद के साधन हो, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, खाने पीने का अच्छा साधन हो उनके पास में। इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए मॉडल आंगनवाड़ी हम लोग बना रहे हैं, धीरे धीरे इसमें और भी विकास के काम कर रहे हैं। बहरहाल, अगर बात करेंगे कोरोना के 3 साल बाद आंगनवाड़ी शुरू हुई है, चूँकि आपने क्या देखा है, व्यवस्था भी शायद आपको कुछ देखने को नहीं मिली थी। मतलब अभी काफ़ी बेहतर हुआ है, जो बच्चों में बेसिक स्किल्स होना चाहिए वो यहाँ पर बच्चों में अच्छी है। मेरा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनसे मैंने यही अनुरोध करा है कि आप जितना बेहतर कर सकते हैं, सो दैट ये गरीब एरिया के बच्चे हैं, प्ले स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो प्ले स्कूल का नॉलेज अगर उनको दे पाते हो तो तभी हमारा जो देश है वो पूरा हो पाएगा। सर, बच्चों के साथ अपना बच्चों को अपने पढ़ाया भी, ABCD भी सिखाई, क्या मतलब एजुकेशन को हायर मिलेगा इस भविष्य में? हाँ बिल्कुल, प्रयास यही है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं तो ना सिर्फ खेलना कूदना सीखें, उनको जो औपचारिक शिक्षा है वो भी प्राप्त हो। ठीक सर, ठीक। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।